हाय पिला माने मुदेव आपण मानको स्वागत करू छी एजुकेशन टिक स्टडी चैनल ले। आज आमे प्लस 3 सेकंड सेम रो पिला माने सेकंड सेम रो पेपर 1 रो गुडे क्वेश्चन करिवा। पेपर 1 रो से पेपर 1 रो कोन एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होची से साइकोलॉजी पेपर रो एजुकेशनल साइकोलॉजी तार गुडे लम क्वेश्चन करिवा। मु लम क्वेश्चन लेके आसी तो ए लम क्वेश्चन जे तुम्हें प्रिपेयर हे कि रहिबो परीक्षा पई ताले तुमको बढ़िया भल रही आ परीक्षा पई माने प्रिपेरेशन भी हो पार और बुझी भी पार। या आगर मुझे सर्ट क्वेश्चन सब अपलोड कर देसी जदि तुम देखिना हो जाइ से भिडियोटी प्लेलीस्ट थी चेक कर से भिडियो जदि तुम जहाँ सर्ट क्वेश्चन से अच्छी एक मार्किया आउ दि मार्किया क्वेश्चन सब डिस्कशन कर दिखाई आउ जदि भी किसी रही जाइए मुझे चेस्टा करी रेगुलाली आज भिडियो मुझे क्रिएट करने जहाँ भी सर्ट क्वेश्चन अच्छे जार एक मार्किया दुई मार्किया लंग क्वेश्चन सब मुझे कवर करने को चेस्टा करी। आम देखा फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आज ह्वाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन देखा प्रथम कौन अच्छे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन व्हिच द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कौन कह देख जेहतु यहाँ एजुकेशन साइकोलॉजी दुईटा शब्द समाधान गोटे एजुकेशन और साइकोलॉजी। एजुकेशन जानी ऑलरेडी एजुकेशन है तुम पिला एजुकेशन अर्थ है शिक्षा और एजुकेशनल अर्थ है शैक्षिक आउ साइकोलॉजी मानी तुम ऑलरेडी जानी साइकोलॉजी अर्थ मनोविज्ञान पिला मनोविज्ञान मनोविज्ञान जानी तुम साइकोलॉजी है मनोविज्ञान और एजुकेशन है शैक्षिक अर्थ है शैक्षिक मनोविज्ञान ताल जाणीगली आम एजुकेशन साइकोलॉजी अर्थ है ही शैक्षिक मनोविज्ञान। अच्छा जदि आम देखा एजुकेशनल साइकोलॉजी को आम प्रथम बुझाक चेस्टा करवा ये जो शब्द दुटा अच्छे एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी एजुकेशन किप रिलेशन अच्छे एजुकेशन साइकोलॉजी सहित कि रिलेशन अच्छे से बुझा प्रथम चैप्टर जहाँ अच्छी से नेचर स्कोप आउ मीनिंग से गोटे मान युटा शब्द ही बुझीजा। देख प्रथम कौन अच्छे एजुकेशनल साइकोलॉजी ये कौन एटा दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी यहाँ गोटे साइकोलॉजी गोटे ब्रांच ऑफ मैंने साइकोलॉजी जो विभिन्न प्रकार ब्रांच अच्छे से ब्रांच रोटे ब्रांच हूँ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी से ही ब्रांच इन हुई जोटि की फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड मैंने फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी जो किसी मैंने नीति नियम अच्छी से नीति नियम को अप्लाइड कराए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन जो फाइंडिंग्स अच्छे फाइंडिंग्स मैंने से ये कहीपर नीति नियम से नीति नियम सब जहाँ अच्छी से नीति नियम को आधार करके ताको अप्लाई करा जे एजुकेशन मैंने आम साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स मैंने कौन कहीपर से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जहाँ अच्छी से सब प्रिंसिपल्स जहाँ अच्छी से प्रिंसिपल्स कहीपर से नीति नियम सब से प्रिंसिपल सब से प्रिंसिपल सब मैंने कौटी बा साइकोलॉजी इन व्हिच फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइड मैंने जहाँ साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स साइकोलॉजिकल कहीपर प्रिंसिपल जहाँ अच्छी ताको जब आम अप्लाई करवा कौटी अप्लाई करवा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मैंने शिक्षार शिक्षार जब आम व्यवहार करवा आम कह एजुकेशनल साइकोलॉजी बुझीगले जे एजु मैंने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जहाँ अच्छी साइकोलॉजिकल मानने मनोवैज्ञानिक जहाँ नीति नियम अच्छे जदि आम व्यवहार करवा एजुकेशन ताको कहीपर आम एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल तुम बुझीपार पढ़ी थी भी आगर कि क्लास रूम तुम मानने जिते बड़े जाऊ क्लास भी सर मैंने कही थे प्रायतः गोटे एग्जांपल दिया जाए जदि माने साइकोलॉजी को कहार भी साइकोलॉजी स्टडी करा जाउछि कहार भी जदि मनोविज्ञान में स्टडी करिबा इन रिलेशन टू एजुकेशन ताकु जदि हम एजुकेशन रे व्यवहार करिबा ताहाकु हि कह जाउछि माने एजुकेशनल साइकोलॉजी। तापर एजुकेशनल साइकोलॉजी विभिन्न प्रकार अछि परवर्ती मुहूर्त रे हम पढ़िबा जे अप्लाइड साइकोलॉजी कोन ताकु किपरि एजुकेशनल साइकोलॉजी को भाग करा जाउछि ताकु हम परे डिस्कशन करिबा आज केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी विषय हम पढ़िबा। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हम ताकु डेफिनेशन कोन कहिबा बा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग माने एटा कौन स्टडी कराए ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर जानते मनीषर व्यवहार को ही स्टडी कराए एजुकेशनल सेटिंग माने शैक्षिक जो वातावरण अच्छे सेटिंग से शैक्षिक वातावरण शैक्षिक विभाग शिक्षा से आम स्टडी करवा कौन स्टडी करवा साइंटिफिक स्टडी करवा माने वैज्ञानिक जानी स्टडी माने अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन करवा कहार ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर आम वैज्ञानिक अध्ययन करवा एजुकेशनल सेटिंग एजुकेशनल सेटिंग माने से जो कहीपर से शैक्षिक फॉर एग्जांपल आम क्लासरूम पढ़ूचे सार आम को
क्लास करुँचा क्लास रे आमे विभिन्न प्रकार माने कोर्स पढ़ाऊँ विभिन्न प्रकार विषय कहते बट सी निजे जदि से स्टूडेंट्स मानक माने बिहेवियर को स्टडी करू था को स्टूडेंट्स कौन किपर बुझुच्ची ना बुझुनी ताको आउ कौन दरकार आउ को स्टूडेंट्स को आउ किपर बुझा जाई पारिबो कि मेथड्स कौन परिवर्तन करा जाई पारिबो कि से स्टूडेंट्स मानकु देखिकि सेठे से सब माने देखिकि ताकु बेले बेले परिवर्तन मध्ये करबाकु पड़े जे आमर पिला माने जे बुझि पर नहंती ताहले को मेथड आमे ताकु बुझैबा तो सेटा ही से जो स्टडी करूछंती सेति पई से विभिन्न प्रकार चेंजेस आनिकि पढ़ाउछंती तो सेटा होउछि एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर माने स्टूडेंट्स बा से आमे कहि परबा शिक्षार्थी मानकु माने देखी देखिकी ह्यूमन बिहेवियर जो से ह्यूमन बिहेवियर को आम स्टडी करवाटा से कहुच्छे एजुकेशनल साइकोलॉजी बुझीगला आगे जी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स स्किनर ये मन रख ई स्किनर बहुत बार ऑलरेडी तुम पढ़ी थो प्लस टू एजुकेशन अभी आम पढ़ा स्किनर कौन कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स कौन डील्स कर विथ द बिहेवियर अफ ह्यूमन ह्यूमन बीइंग माने मनीषर जो बिहेवियर को इन एजुकेशनल सिचुएशन माने ये स्किनर जान ऑलरेडी बहुत माने बहुत फेमस जे तर से ऑलरेडी माने पाखापाखि से 19th century पाखापाखि से ऑलरेडी बहुत फेमस होते कारण से बहुत प्रकार एक्सपेरिमेंट मैंने जो करते जीव मानक विभिन्न प्रकार गोटे दुटा पशु मान जो परीक्षण करते पशु मानक से बहुत फेमस होते तो स्किनर कौन अच्छे तुम्हें जाइ से जो तुमको गोटे मैंने हिंट्स दे दूसरी तुम्हें जाइ पढ़ प्लस टू रो तीन टी नीति अच्छी से लैंडिंग पाठ को जीव सेकेंड यूनिट जो अच्छे अच्छे तीनो नियम शिक्षण तीनोटी नियम अच्छी प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तीनोटी तत्व अच्छी प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्व जोटी कहुए ट्रायल एंड एरर थ्योरी आ गोटे है तुम अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व जोटा पावलप करते गोटे आउ अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व जी स्किनर करते तो यही हिसाब से तुम ताको बुझी से पार थंडाई गोटे करते स्किनर गोटे करते आउ कोका जो कौन अच्छी तीन जन जो थे तो ये तीनोटी तत्व को तुम बुझीगले स्किनर विषय से जान मैंने से तुम बुझीज एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन नेक्स्ट आसवा दस एजुकेशनल साइकोलॉजी द बिहेवियर ऑफ साइंस ये कौन गोटे बिहेवियर ऑफ साइंस गोटे बिहेवियर साइंस मैंने साइंस ऑलरेडी जानते साइंस मैंने विज्ञान विज्ञान गोटे बिहेवियर बिहेवियरल साइंस कह जाए यहाँ मैंने बिहेवियरल मैंने जान सकते बिहेवियरल अर्थ पिला मैंने जे तुम बिहेवियर है मनीषर व्यवहार उपर कहुटी तो ताक बिहेवियरल साइंस बोल कहते कहुच्छे ये विथ टू मेन रेफरेन्स अफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एजुकेशन से ह्यूमन बिहेवियर अफ एजुकेशन को इन द वर्ड्स अफ ईएफपील ईएफपील शुण नथिबो आगरु बट एटि तुम्हें प्लस थ्री बहुत बार शुणिबो एजुकेशन साइकोलॉजी तो साइंस अफ से ये साइंस अफ एजुकेशन कहते आग को जी आगे कौन अच्छे देख एजुकेशन अफ अल मीनस इन इज एन अटेम टू मोल्ड एंड सेव द बिहेवियर अफ पीपल कौन कर एजुकेशन सब एजुकेशन अर्थ ही कौन कहे बाय मीनस इन इज एन अटेम टू मोल्ड एंड सेव मोल्ड एंड सेव मैंने तार कौन बिहेवियर अफ पीपल्स मैंने शिक्षार्थी जे शिक्षा ग्रहण करूपिल्स स्टूडेंट्स कहींपर तुम्हें से पीपिल्स बिहेवियर को एजुकेशन कौन कै ये गोटे मध्यम हिसाब से कम कै तार मोल्ड मैंने जो दरकार पड़ो ताकु परिवर्तन करा जाई परबो मोल्ड करबो आ शेप बा तारो जो आकार अछि से आकार को बि तारो को आकार से व्यवहार रो आकार आ ताकु व्यवहार दरकार पले ताकु परिवर्तन करा जाई परबो आ तारो जदि आ किछि माने दरकार अछि ताकु सेठी दिया जाई परो तो एजुकेशन रो अर्थ होला सेटा जे तारो बिहेवियर को परिवर्तन करा जाउ छै एठी बुझियला इट एम्स टू प्रोड्यूस डिजायरेबल चेंजेस इन हिम फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी कोन करा जे यार लक्ष्य होला कोन टू प्रोड्यूस डिजायरेबल चेंजेस माने जदि दरकार अछि से डिजायरेबल माने जदि दरकार अछि परिवर्तन करा जइबो इन हिम माने से चाइल्ड पाखरे इन ऑलराउंड डेवलपमेंट आ कोन करा जइबो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी जो अछि तार व्यक्तित्व को सब क्षेत्र रे ऑलराउंड डेवलपमेंट परिवर्तन करा जइबो तार द एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स टू डू दिस जॉब सैटिस्फैक्टरी इन सप्लायड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी तो एसेंशियल नॉलेज माने दरकार जदि किछ ज्ञान अछि आउ स्किल अच्छी टू डू दिस जॉब सैटिस्फैक्टरीली इज सप्लायड बाय द एजुकेशनल साइकोलॉजी माने से एजुकेशनल साइकोलॉजी ताकु द्वारा ताकु माने तार दक्षता आउ जॉब सैटिस्फैक्टरीली माने से जो काम करू माने सैटिस्फैक्टरीली माने ताकु जो भल लागुछि से काम ताकु जदि से एजुकेशनल साइकोलॉजी कोन करिवो
ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ତାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଯଦି ଅଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଇଏପିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲ୍ପସ୍, କ'ଣ କରି ଏଜୁକେସନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲ୍ପସ୍ କରି ଦ ଟିଚର୍ସ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିପିଲ୍, ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ପିପିଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିଚର୍ ମାନେ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ଦ ରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ସ ଦିସ୍ କେପାସିଟିଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଦି ଲାର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସୋସିଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ଯାହା ଟିଚର୍ ମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରେ ଟିଚର୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ପିପିଲ୍ସର କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନି, କ'ଣ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଦ ରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍, ମାନେ ତାର ରେଞ୍ଜ କେତେ ଅଛି, ମାନେ ତାର ରେଞ୍ଜ ମାନେ ଏଇଟା ଦକ୍ଷତା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ପିଲାମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମାନେ କେତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ତା ପାଖରେ, ବୁଝିବାର ଦକ୍ଷତା କେତେ ଅଛି, ତ ସ୍କିଲ୍ କେତେ ଅଛି, ଆଉ ଲିମିଟ୍ସ ତାର ମାନେ ଲିମିଟ୍ସ ମାନେ ତାର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ବା କେପାସିଟି ସେ ଲିମିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦେୟାର କେପାସିଟିସ୍ ମାନେ କେତେ କେପାସିଟିସ୍ ତାର ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ତା ରେଞ୍ଜ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲ୍ପ କରେ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଲାର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସୋସିଆଲ୍ ରିଲେସନ୍, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେମାନେ ଲାର୍ନ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଟିଚର୍ ମାନେ, ଆଉ ସେଇ ମାନେ ପିପିଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆୱାର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଟିଚିଂ ଦିଅନ୍ତି। ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ରିଜେମ୍ବୁଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କାହାକୁ କହିଛି ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କ'ଣ ରେଜେମ୍ବୁଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ହୁଇଜ୍ ଟେକ୍ନିକାଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଯେ କ'ଣ କିପରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ କ'ଣ ଏଇଟା, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଏଠି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଇ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେ ଘର ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଉନି, ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ପିପିଲ୍କୁ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ପିପିଲ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ କିପରି ମାନେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ କିପରି ଆଉ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ପିପିଲ୍ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସୋସିଆଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ କେତେବେଳେ ମାନେ ସାମାଜିକ ସୋସିଆଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ନଲେଜ୍, ଏଇଟା କିପରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଦକ୍ଷତା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଏକମ୍ପ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରି, ମାନେ ସେ କାମଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ କିପରି କରିପାରିବ, କେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମାନେ ସେଠି ଏଠି ସେଇ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଲି ସେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଯେହେତୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍, ପରି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେଠି ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନେ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ବ୍ରିଜ୍ ଭଳିଆ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏକା ଅଛି, ନିଜେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ର ତାର ଗୋଲ୍ ଅଛି ଏଠି, ଏଇଟା ହେଲା ପିପିଲ୍, ଆଉ ତାର ଗୋଲ୍ ଏଠି ମାନେ ପିପିଲ୍ର ଗୋଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ହିଁ ବ୍ରିଜ୍ ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଯଥା ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେ ଏଜୁକେସନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହୁଇଜ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେ ସେହି ହିସାବରେ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁଇଜ୍ ଟେକ୍ନିକାଲି, ଯିଏକି ଟେକ୍ନିକାଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥାନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଜାଣିଛ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ସେକ୍ଟରରେ ହିଁ ବହୁତ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥାନ୍ତି। ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପିଲ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟର୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ବିହେଭିଅର୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର, ଜାଣିଛ ଅଲରେଡ଼ି ଏଜୁକେସନ୍ର ଅର୍ଥ ବି ଡେଫିନେସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର, ଯଦି ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁ ହିସାବରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ବି ଯେ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନେ ପିପିଲ୍ର କାହାର ବି ପିପିଲ୍, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପିପିଲ୍ସ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲାର୍ନର୍ ଏନି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି, ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନେ ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବ୍ୟବହାରର ମୋଡିଫିକେସନ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସେହି ହିସାବରେ କରାଯାଏ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନାଲିଟି। ତାପରେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ରିଜନେବୁଲ୍ ଟୁ କଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଏଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ କାରଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇଟା କୁହାଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରୁ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବା ତାକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ମାନେ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ
माने सेथिरे मेथड्स को ही प्रणालीबद्ध अनुध्यान हिसाब से करा जाए। ठीक से हीपरी एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रणालीबद्ध हिसाब से जेहेतु अध्ययन करा जाउछि स्टडी करा जाउछि लर्नर को बा शिक्षार्थी को बा पीपल्स को तो सेति पई एठी को आमे कहि परबा याको साइंस मध्य कहि परबा आ एटा एजुकेशन रो टेक्नोलॉजी मध्य कहि परबा टेक्नोलॉजी जानिछो टेक्नोलॉजी यांत्रिक विद्या तो सेति पई देखो यंत्र हिसाब रे भी व्यवहार करा जाउछि एजुकेशन साइकोलॉजी। दस एजुकेशन साइकोलॉजी कंसर्न प्राइमरीली विथ द अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग दैट टेक्स प्लेस विथ इन फॉर्मल एनवायरनमेंट एंड डेवलपिंग वेज ऑफ इम्प्रूविंग दोज मेथड्स। तो सेतिपई एजुकेशन साइकोलॉजी कंसर्न कौन थाए कंसर्न थाए प्राइमरीली विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग माने टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती से ये प्राइमरीली माने मुख्य हिसाब से सब बुझे द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से माने प्रक्रिया जो टीचिंग आउ लर्निंग टीचिंग माने टीचिंग आउ लर्निंग से प्रक्रिया को माने ये बुझाक चेष्टा करे आउ टेक्स प्लेस विद इन फॉर्मल एनवायरनमेंट आउ चेष्टा करे से जो फॉर्मल एनवायरनमेंट अच्छे डेवलपिंग वेज अच्छे से रास्ता मैंने जो अच्छे मैंने किपर डेवलपमेंट कर पीपिल को आउ कौ रास्त आम डेवलप करवा कौ टेक्निक्स यूज करवा किपर एनवायरनमेंट सृष्टि करवा आउ से प्रोसेस को इम्प्रूव किपर कर डे टू डे लाइफ कौन हो दिनक दिन प्रोसेस मैंने पर नुआ मेथड मैंने आई मेथड को व्यवहार करी आम तार मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर रखिपर चाइल्ड इट कवर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक कौन कौन कवर करे थ्योरीज लर्निंग थ्योरीज कौन टीचिंग मेथड्स को ये प्रोवाइड कर मैंने टीचिंग जान पढ़ाइबार से मेथड्स प्रणाली को ये सीटा को कवर करे एजुकेशन साइकोलॉजी मोटिवेशन को मध्य ये करे कॉग्निटिव इमोशनल मोरल डेवलपमेंट विषय भी ये करे तापरे पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन माने पेरेंट आउ चाइल्ड रिलेशन किपर हो स्टडी करने को चेस्टा करे तो यही हिसाब से यही सब टॉपिक को से कवर करे एजुकेशनल साइकोलॉजी बुझेगा। देन इन शॉर्ट इट इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट एड्रेस द क्वेश्चंस व्हाई डू सम स्टूडेंट्स लर्न मोर देन अदर्स एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव दैट लर्निंग आम जब या पूरा पूरी मैंने सर्ट हिसाब से कहवा इट साइंटिफिक गोटे साइंटिफिक डिसिप्लिन जोड़े कि एड्रेस करे कौन द क्वेश्चन कि कौ क्वेश्चन को ये एड्रेस करवा क्वेश्चन को ये मैंने बुझाक चेस्टा करे व्हाई डू सम स्टूडेंट्स लर्न कहीं किसी स्टूडेंट्स शिक्षा करती मोर देन अदर्स अन्य अधिक कौन पर शिक्षा करते सहीटा भी क्वेश्चन रख से प्रकार क्वेश्चन को ये सल्व करने को चेस्टा करे एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द दैट लर्निंग से लर्निंग जो मैंने कम रोच जो मान लर्निंग कम होकर लर्निंग किपर आम डेवलप करूव किपर करहेवियर को स्टडी करी एजुकेशन साइकोलॉजी फर्दर ताक ये स्टडी करने को चेस्टा कर तो यही हिसाब से आम एवं पढ़ी लंग क्वेश्चन टा तुम व्हाट इज एजुकेशन साइकोलॉजी तो से एजुकेशन साइकोलॉजी लंग क्वेश्चन को चेस्टा करें कवर करने या भितर भी जो किसी ये भी तुम जब एमती पढ़ की नोट्स तैयारी कर रखुच देन परीक्षा तुम एति लिखिदेले भी मोर देन सफिसीयंट रही है से मार्क कटिव ना भल मार्क रोज एठ तुम सर्ट क्वेश्चन मैंने बहुत बाहरी जाऊँगी से लंग क्वेश्चन प्रायतः लंग क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरी थे तो लंग क्वेश्चन बुझे जब सर्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी तुम स्किप हम ना सब सर्ट क्वेश्चन जो 10 मार्क रोच फास्ट तुम एक नंबर से 10 मार्क 10 मार्क तुम्हें कवर कर पाने तो आज इतनी नेक्स्ट भिडियो पुणी आम एजुकेशन साइकोलॉजी आउ किसी टॉपिक पढ़ा। थैंक यू एवरीवन।